तो इन सब ने मिलकर मेरे को मेरी घर के सामने मेरे को मारा। मेरी गाड़ी से मेरी माँ की अंगूठी उठा ली। अभी तक पुलिस ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है, ना ही पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ आया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में पार्किंग एक ऐसा विवाद है जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पार्किंग को लेकर कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जिनमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारपीट की घटनाएं होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के कालका जी थाना क्षेत्र में, जहां से एक ऐसी ही घटना सामने आई है। दरअसल एक युवक को पार्किंग को लेकर बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, यहां तक कि उनकी गाड़ी से चोरी तक की गई। अब आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, उसी युवक के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अभी है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसे सब शुरुआत हुई? तो 25 तारीख की शाम को मैं अपने काम से लौट रहा था अपने घर पे, एंड लौटने के बाद मैंने जब अपनी गाड़ी की पार्किंग करने की कोशिश करी तो इस कॉलोनी के अंदर कुछ वकीलों का ऑफिस है, इनकी स्कूटी मेरे घर के सामने खड़ी हुई थी। एंड जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी स्कूटी हटा लीजिए, तो इन सब ने मिलकर मेरे को मेरी घर के सामने मेरे को मारा। मेरी गाड़ी से मेरी माँ की अंगूठी उठा ली। और मेरी कॉलोनी वाले जब बचाने मेरे को आए, मैंने पुलिस में उसी टाइम फ़ोन लगाया था। पुलिस वालों के सामने और वकीलों को बुला लिया गया पुलिस स्टेशन में, और एक तरीके से मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश करी गई कि मैं इनके सामने केस रजिस्टर ना करूं। ना ही पुलिस वालों ने मेरा सिचुएशन समझा, और वकीलों ने ना ही मेरे को अभी तक सॉरी बोला। जबकि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि 6 लोगों ने मिलकर, मैं 20-23 साल का हूँ, और इन सब ने मिलकर मेरे को मारा है। अच्छा, आपने मतलब उन्हें आराम से बोला था कि स्कूटी हटाने के लिए? जी, मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको कि मेरे घर के सामने आपकी स्कूटी खड़ी है, आप प्लीज़ अपनी स्कूटी हटा लीजिए। अच्छा, आप उन वकीलों को पहले से जानते थे? जी नहीं, मेरे को ये लोग कहीं बारी यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कहीं कॉलोनी वालों के साथ बहस हो चुकी है। जैसा कि वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि इन्होंने जब मेरे को मारा, जब कॉलोनी वाले मेरा बचाव करने आए, तो वो भी इनको यही बात कर रहे हैं कि आपका रोज़ का यही है, आप 3-4 साल से हमें तंग कर रहे हैं कॉलोनी में लोगों के लिए। इट हैज़ बीन अ केओस, आप कॉलोनी में लोगों के लिए आप पूरा टाइम कभी कहीं पे गाड़ी खड़ी है, कभी किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो दिस कॉल केओटिक एक्टिविटी हमारे कॉलोनी में नहीं चलेगी। तो हम जानते हैं इनको, दे हैव ऑलरेडी ऑलवेज बीन अ न्यूसेंस। अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि वो बस अपनी वकालत का जोर दिखा के दे ट्राई टू ओवर पावर अस। अच्छा, पुलिस की तरफ से अभी तक FIR लॉन्च की गई है, कुछ मदद मिली है आपको? जी नहीं, मेरे सामने तो इन्होंने अपने साथ और अपने कलीग्स बुला लिया था, एंड आई मीन अभी तक पुलिस ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है, ना ही पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ आया है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या इन्होंने कुछ गलत भी किया है। उन्होंने ऐसा भी नहीं दिखाया कि कुछ गलत भी किया है इन्होंने। CCTV फुटेज आपने हमें दिखाई, उसमें साफ नज़र आ रहा है गाड़ी से भी कुछ निकालते हुए नज़र आ रहा है, उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया जो रिंग खोई है? जी नहीं, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन कोई भी तरीके का इनके खिलाफ नहीं लिया है। तो अभी आपकी क्या मांग है? मैं चाहता हूं कि ये वकीलों को समझ आना चाहिए कि ये भी नॉर्मल इंसान जैसे ही हैं। इनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि ये किसी भी नॉर्मल इंसान को आके डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनके साथ मारपीट कर सकते हैं। एक वकील से पहले तो ये इंसान भी नहीं है, मतलब एक कॉलोनी में नॉन रेजिडेंट्स हैं ये लोग। प्रॉबेबली ये इल्लीगल तरीके से इनका लॉ फॉर्म चल रहा है यहाँ पे लास्ट 4 साल से, बिकॉज दे हैव सम पॉलिटिकल पावर, दे हैव सम रिकग्निशन, वट एवर इट इज़। बट मैं बस यही चाहता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन हो। पुलिस एटलीस्ट इनसे पूछताछ तो करे, इनसे पूछे तो सही कि इन्होंने एक बच्चे को कैसे मारा है। तो कितने लोग थे लगभग जो आपको मार रहे थे, कितने वकील थे? तो उस समय अराउंड 6 से 7 लोग तो मेरे को घेर के खड़े हुए थे, उसमें से 4 लोगों ने मेरे को बुरी तरीके से मारा है। उन 4 में से मैं 3 के नाम जानता हूँ, अनीस, साहिद और एक का नाम प्रवीण। तो ये 3 तो हैं जिन्होंने मेरे को बहुत मारा है। बाकी इनके कलीग्स थे साथ में जो आए थे, जो इनका सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के कर रहे थे। अभी तक मतलब इन 3 ने तो इतना मारा है कि मैं अपना पूरा जॉ नहीं खोल पा रहा हूँ। तो इट हैज़ बीन रियली टफ द पास्ट फ्यू डेज़ कि ये इनसे डील भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ना ही पुलिस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है।
तो देखिए इस वक्त मैं घटना स्थल पर खड़ी हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर वो पूरी घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाई, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है 5 से 6 लोगों द्वारा। इसके साथ ही अगर आप सीसीटीवी को ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये भी नज़र आएगा कि बीच में एक युवक जाकर उनकी गाड़ी से कुछ सामान निकालता है। अब जो शख्स है उनका ये कहना है कि वो सामान जो है वो उनकी डायमंड रिंग है। जी हाँ, उनकी मम्मी की डायमंड रिंग गाड़ी में पड़ी थी जो कि उन लोगों ने निकाल ली है। लेकिन साथ ही साथ पीड़ित का ये भी आरोप है कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि पुलिस द्वारा अभी कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई, ना ही कुछ कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इनकी यही मांग है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द पुलिस सुनवाई करे। जो भी ये मामला हुआ है, जिस किसी ने भी उनके साथ मारपीट की है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो में ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार कालकाजी थाने की पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रही है, ऐसी क्या वजह है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।